फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो टॉपिक्स के बारे में फिर जेएमसी क्लासेस में जानकारी देने के लिए आया हूं। ये दोनों टॉपिक्स बार बार एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे के ग्रुप डी, मतलब अलग अलग जनरल कंपटीशन के एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। यहां पर दो टॉपिक्स हैं। पहला है भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन कौन है, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक लिखा है, वो आप अगर याद रखोगे तो मे बी इससे कोई क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता। जैसे है तारा का केक कुन्नकुलम में है ना, कुन्नकुलम में है ना। अब ये ट्रिक है, अब इसमें आपको क्या करना है, तारा वर्ड का पहले ता वर्ड से बना तारापुर, जो कि आपके महाराष्ट्र और गुजरात सीमा पर पड़ता है, ता से बना तारापुर जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के सीमा पर पड़ता है, फिर रावट से बना रावत भाटा जो कि राजस्थान में पड़ता है, रावत भाटा राजस्थान में पड़ता है, ये चीज आपको याद रखना है, रा से रावत भाटा, रा से राजस्थान, ऐसे करके आपको याद करना है। काकार पारा ये गुजरात में पड़ता है, काकार पारा एक जगह है जो कि गुजरात में पड़ता है, वहां पर भी परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। फिर है, अब यहां पर आता है केक वर्ड से आपको दो शब्द दो जगह बन रहे हैं। केक के पहले के वर्ड से केगा है, केगा एक जगह है जो कि कर्नाटक में पड़ता है, केगा एक प्रॉपरली जगह है जो कि कर्नाटक में पड़ता है। यहां पर मैंने सबको अलग अलग लिख रखा है ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कतें ना हो। फिर आता है केक वर्ड जो है केक के कॉ वर्ड से कल्पक्कम बना, एक मिनट, कल्पक्कम जो है कल्पक्कम वर्ड जो है वो तमिलनाडु में, कल्पक्कम एक जगह है जो कि तमिलनाडु में है। फिर उसके बाद आता है कुरनकुलम या कुराईकुलम प्रॉपर जगह का नाम है, याद रखने के लिए मैंने यहाँ पर ज्यों का त्यों उतार दिया है, कोडाईकुलम तमिलनाडु में है, जो कि ये अपने इंडिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, ये आपको याद रखना है। ये कभी कभी अलग अलग तरीके से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंडिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि कोडाईकुलम तमिलनाडु में है, जो कि सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। फिर यहाँ पर आता है नौ वर्ड से बना नरौर जो पड़ता है वो यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जगह है, यूपी में पड़ता है, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश में नरौर जगह पड़ता है, और वहाँ पर भी परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। तो ये आपके इस प्रकार हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये पूरे 7 परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र अपने भारत के हैं जो कि प्रमुख हैं। और उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जूट उत्पादन राज्य कौन कौन हैं ये आपको बताना है। तो भारत में जूट उत्पादन करने वाले राज्य जो हैं वो प्रमुख हैं, इनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, मौज में है माँ बाप। अगर आप लोग अपने माता पिता का सारा काम कर रहे हैं तो मतलब माँ बाप मौज में है। जैसे अब यहाँ पर मौज वर्ड से क्या क्या बन सकता है ये आपको नोट करना है। मौज MOGJ मौज वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा है, मौज के पहले वर्ड M से बना मेघालय, O से बना ओडिशा, J मैंने यहाँ पर जूट उत्पादक राज्य में यहाँ पर बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पर जे लिखा ताकि आप लोग समझ सको। जे से जूट है वो आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर माँ वर्ड से यहाँ पर दो स्टेट बनते हैं, एम से महाराष्ट्र, ए से असम, एम से महाराष्ट्र, ए से असम। फिर आपके आते हैं बाप वर्ड में तीन शब्द हैं, BAP बाप, बी के पहले वर्ड बी से बन रहे हैं बिहार, फिर ए से बन रहे हैं आंध्र प्रदेश, पी से बन रहे हैं पश्चिम बंगाल। इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ये सात जो हैं प्रमुख भारत के जूट उत्पादक राज्य हैं, ये आपको अपने माइंड में फिट करके रखना है। मौज में है माँ बाप, अब मौज में है माँ बाप ये आपको याद रखना है कि ये भारत में जूट उत्पादक राज्यों के बारे में मैंने बताया है, इसलिए आप अपने दिमाग में इसको फिट रखो। और इस प्रकार मैंने यहाँ पर दो टॉपिक्स के बारे में जो आपको जानकारी दिया है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि मैं और भी मोटिवेट होके और नई नई चीज़ें नई नई तरीके से आपको मैं सिखाता रहूँ। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, JMC क्लास में आपका स्वागत है। हमारा लक्ष्य आपको फ्री में एजुकेशन देना है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाना है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज